नमस्कार दोस्तों, आज अपने पास आया है सैमसंग का A14 5G मॉडल। चलिए तो पहले इसका जो प्रॉब्लम है इसको समझ लेते हैं। जैसे इसको हम ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, ये रिस्टार्ट होना स्टार्ट कर देगा। अगर ऑन भी हो गया तो भी इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए ये रिस्टार्ट हो गया। अभी इसमें और भी क्या क्या दिक्कत है वो भी हम एक बार देख लेंगे। पूरा जो प्रॉब्लम है उसको हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद इसका काम स्टार्ट करेंगे। कस्टमर ने इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बताए थे, उसमें से हमने आधे याद रख लिए और आधे हमने छोड़ दिए, क्योंकि हमें मालूम है ये किस वजह से प्रॉब्लम आते हैं। उन प्रॉब्लम में से कुछ प्रॉब्लम हम यहाँ पे दिखा देंगे। कभी कभी पावर की प्रेस करने के बाद भी ये ऑन नहीं होता था, चार पांच बार ट्राई करने के बाद ही ऑन हो जाता था। अभी इसको चार्जिंग लगाए तो ये लोगो आ गया, अब ये स्टार्ट हो जाएगा। कस्टमर जब लेके आया तो ये कंप्लीट डेड था, चार्जिंग लगाने के बाद ये ऑन हो गया था। बैटरी 50% के ऊपर है फिर भी ऐसा ही करता है। अब की बार ये पूरा ऑन हो चुका है। इसका ब्राइटनेस जो है कम दिख रहा है, हम जब भी बढ़ाएंगे या कम करेंगे ये कम ज़्यादा नहीं होगा। जैसे हम इसको पूरा लो कर देंगे पूरा लो हो जाएगा, लेकिन बढ़ेगा भी नहीं कम नहीं भी नहीं होगा, ये एक जगह पे सेट ही हो रहता है। उसके बाद अगर हम कुछ ओपन करेंगे तो ये बहुत ही स्लो चलना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे ब्राइटनेस चेक कर सकते हैं, हमने बढ़ा दिया है फिर भी नहीं बढ़ रहा। इसको ऑटो मोड से हटा दिया है। इसको और ज़्यादा लोड दे दिया तो ये सीधा रिस्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑफ हो गया। चलिए तो अब हम इसका काम स्टार्ट कर देते हैं। इतने ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रहे हैं इसकी वजह एक ही हो सकती है, इसका सीपीयू जो है वो ड्राई हो चुका है। सबसे पहले तो इसका सील निकाल लेंगे।
यहाँ पे हमने जो ऊपर जो पेपर है उसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सील को हमने सही तरीके से निकाल के लिया है। इस प्रोसेसर के नीचे वाइट पेस्ट है, प्रॉपर हीट होने के बाद ही स्क्रैबर को हिलाना है। हिलाने के बाद ये आराम से निकल जाता है। कस्टमर का कहना ये था कि डिस्प्ले पे हल्के हल्के लाइन आ रहे हैं, इसलिए हम इसका जो यूएपीएस है उसको भी उतार रहे हैं। कस्टमर कह रहे थे कि इसमें लाइनिंग के जैसा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, वो यूएपीएस की वजह से कभी कभी दिक्कत आती है, तो हम यूएपीएस को भी निकाल रहे हैं। यहाँ पे बोर्ड को हम अच्छे से क्लीन करके ले रहे हैं।
यूएपीएस का एक ट्रैक जो है वो क्लीनिंग करते टाइम निकल चुका है, उसको भी हम बना लेंगे। अब हम यूएपीएस और सीपीयू को जो है को क्लीन करके लेंगे। इसके ऊपर हल्का हल्का जो है वाइट पेस्ट दिख रहा है। एक बार में ही प्रॉपर क्लीन करके लेना है ताकि हम जब इसके ऊपर बॉल्स बनाएं तो सही से बन पाए। रिबॉलिंग करते टाइम हमें ज़्यादा दिक्कत ना आए, इसीलिए हम इसको प्रॉपर अच्छे से क्लीन करके ले रहे हैं। अब हम प्रोसेसर को जो है प्रॉपर क्लीन करके लेंगे। इसके ऊपर भी वाइट पेस्ट दिख रहा है। वाइट पेस्ट को प्रॉपर सभी साइड से निकाल के लेना है।
सभी पैड्स को जो है हम शाइनिंग में ला रहे हैं ताकि रिबॉलिंग सही से हो। और जो बचा कुचा व्हाइट पेस्ट है वो भी इससे निकल जाए। सीपीयू का स्टेंसिल है नहीं तो हम इसको यूनिवर्सल में रिबॉल कर देंगे। सीपीयू के ऊपर जो है तीन बॉल नहीं बने तो हम इसको अलग अलग करके बना देंगे।
सीपीयू जो है वो प्रॉपर रिवॉल्व हो चुका है, सभी जो बॉल्स है वो सही से बन चुके हैं। क्लीन करते टाइम जो ट्रैक मिस हुआ था हम उससे पहले बना देंगे।
ये ट्रैक जो है प्रॉपर बन चुका है। चलिए तो अब हम सीपीयू को इंस्टॉल करके लेंगे। यहाँ पे सीपीयू जो है प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अब हम एक बार पोर्ट चेक करके लेंगे ताकि सीपीयू अपना बैठा है या नहीं बैठा है वो समझ आएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसने पोर्ट ले लिया है। इसका मतलब ये है कि अपना सीपीयू जो है प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। अब हम यूएफएस को इंस्टॉल कर देंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और हमारा काम आपको कैसा लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे ऐसी वीडियो के जो नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। यूएफएस भी जो है प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। चलिए तो अब हम इसको ऑन करके देखेंगे एक बार। कोई सा भी सेट हो, जब हम प्रोसेसर को रिबॉल्व कर दे तो जो मोबाइल है वो स्लो हो जाता है। पहली बार इसको टाइम होने के लिए भी ज़्यादा टाइम लेगा, बाद में आराम से चल जाएगा। लेकिन इसका अच्छा सॉल्यूशन यही है कि आप इसको एक बार रीसेट करके ले लो। पहली बार ये ऑन होते टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा।
कस्टमर का डेटा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा रीसेट करने का नहीं सोचा। कस्टमर जैसे ही अपना डेटा लेगा हम इसको एक बार रीसेट कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें साइड से थोड़ा नहीं दिख रहा क्योंकि ये इसको जो है प्राइवेसी गार्ड बिठाया गया है, तो जैसे हम इसको टेढ़ा करेंगे इसमें कुछ नहीं दिखेगा। सेट को कंप्लीट ऑन होने के लिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। हम थोड़ा रुक के ही इसको जो है बाकी का चेकिंग कर लेंगे। अभी भी ये स्लो ही चल रहा है, लेकिन अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ब्राइटनेस था वो बढ़ चुका है। ये जो एरर आ रहा है ये भी रीसेट करने के बाद चला जाएगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर वर्क कर रहा है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में।